अस्सलाम वालेकुम। सुबह के 6 बज रहे हैं, हालत इतनी ख़राब हो रही है। रात को तकरीबन 3:30 बजे जाके मैं सोया था कि आपको पता है जो स्टंट मारा था मैंने, तो हालत ख़राब हुई। चलो अब नमाज़ पढ़ने लगा, ये लोग भी उठ गए। मम्मा ने तिहामी को जगा दिया है, तो मैं अभी फजर पढ़ने लगा हूँ। नमाज पढ़ ली है और गुड्डू साहब के किचन में आया हूँ। हाँ जी डिटेक्टिव गुड्डू, क्या पूछ रहे थे मुझसे? नहीं मैं आई हूँ ना, तो मैंने क्योंकि डिशवॉशर पहले ऑफ था, तो मुझे लगा कि ये किचन में आया होगा, वरना ये रात में होगा। फिर दूसरी बात ये मुझे गए हैं एक है, फिर मुझे तो निहारी की स्मेल आई, तो मुझे लगा कि आपने निहारी मंगवाई, तो मैं पूछी थी कि आपने रात को खाना खाया। ये मेरी रात का स्टंट जो है, गुड़िया को लगा है कि मैंने निहारी मंगवाई थी। ये साइड के कहा गया है कुछ कहने भूखी तड़प तड़प के सोई हूँ, वेट लूज करना था वो मुझे रात मुझे फिक्स पड़ती है, मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है। मैं आके मिल्क छुप छुप के छुप, मैंने बाबू से पूछे मिल्क आके, मुझे भूख लग रही। बेटा से कितने आपको दसना था, तो आपको मैंने इसलिए फूड दिया था कि मुझे अब नेक्स्ट टाइम से ना रात को मील लेके सोना, चाहे भूख लगी या चली, मैंने दोनों को डंडों से मारा। आहिस्ता मुझे और दूसरी चीज एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो डिटेक्टिव, रात को आपके साथ मैं फ्रूट खा के सोया था, आपको भी पता है इस चीज के बारे में, ठीक है? इसलिए ऐसा नहीं कि डंडों से आपको मुझे मारने की जरूरत पड़े। ओके हाँ जी, मुझे जो है मुझे भूख लगी थी, तकरीबन 1:30 बज रहा था रात का, तो फिर उठा हूँ मजबूर, मैं अपने जिन के हाथों मजबूर हो के मैं निकला हूँ, और फिर मैंने ऑमलेट बनाया रात को अंडों का, और ऑमलेट है यार ये, प्याज और टमाटर वगैरह बना के मैंने की। यार वीडियो में देख लेना, जब वीडियो बनेगी ना दिखेंगे आप, तो पता चलेगा आपको, ठीक है? रात को चलो ठीक है, ओके ओके चलें जी, आप लोग अब गवाया देख लें कि क्या मेरे ऊपर इल्जाम लग गए हैं अब। चलो मेरा बेटा टेक केयर ऑफिसर, ओके ओके यार, सी यू इन अ व्हाइल, अल्लाह हाफिज़ बेटा। अगेन ओके ओके, बिकॉज इल्ला ही वांट्स टू प्ले विद यू बेटा। ऑलराइट, हेलो मामा, हाउ आर यू? मैं आया हूँ इधर मिशी की टी शर्ट देने के लिए, ताकि यूनिफॉर्म का साइज हो सके, क्योंकि टीचर को चाहिए था, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको चाहिए, और दूसरा ये कि चूंकि बर्थडे है, पुरजोर फरमाइश है, इसलिए मैंने सोचा कि बकलावा भी ले लूँ, बताऊँगा नहीं इनको, चुप करके साइड पे रख दूंगा, ताकि सोचें कि क्या बात है, कुछ खिलाए नहीं, कुछ नहीं खिलाए, मतलब पता ही ना चले इनको, ठीक है ना? आपस की बात है, आपस में रहना, रखना, रहना कह रहा हूँ। ओके ओके गुड, ये ले लिया बकलावा, और ये मिशू को गिफ्ट मिला है साथ में। यस मिशू, व्हाट? आई नेवर टेल एवरीवन, दिस वन इज सीक्रेट। या नो, डोंट टेल एनीवन प्लीज, दिस इज सीक्रेट, आवर सीक्रेट। ओके देखिए पता कितना है सब, एंड नो वन कैन सी इट। ये विल हाइड इट। ओके ओके, व्हाट डू वी कैन हाइड इट? Yeah, but we can tell mom later, but not now. When I'll tell you, then you can tell her, okay? Mom, I have no idea. No, we will tell her, but not now. I'll tell you when to tell her, okay? I know I have good idea. We can hide it on the table. Oh, wow, okay. That's good. You can hide it on the table, all right? Okay, what do you hide this giant fat box? Okay, we'll put the giant fat box, okay? I'll tell you. Wow. ये मैंने ट्रंक में छुपा दी है पीछे करके, ताकि नजर ना आए। मिशु इसे छुपाने जा रहा है। Not here. They will find it out. Hide it somewhere else. Hide it in your toys. You know what? You know what? You can hide it in here. In this one. Yeah. गुड़िया इधर अपने गुड़िया अंकल से बात करे, अपने फादर से, मेरे फादर के पास से, और ये चेक करे जरा। फाइनली ही इज प्लेइंग विद हिज गुड फ्रेंड दिलावर। ओके होल्ड ऑन, वन सेकंड, नाउ आई एम कमिंग। गुड़िया ने गोभी का सालन बनाया, और ये मैजिक पराठा बन जाएगा गोभी का अचानक ही, खुद ही। ये देखें, ये इतना पुदीना उसने डालना है, और ये इतनी मिर्चें डालनी है उसने, और साथ में गोभी।
She's going to make a bomb blast. ये चेक करें, ये खीरे की शामत आई हुई के छिलकों के साथ अब कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है कुछ ना कुछ। तोरी खानी है? चलो, ये खीरे को आप तोरी बना रहे हो? Thank you so much, Papa. Welcome. बाइट लेके दिखा ताकि मुझे पता चले तू खा रहे हैं। ओके, अब ये एपिक खत्म होना चाहिए वरना तुझे मैं एपिक बना दूंगा। What are you guys doing? कोई बात नहीं, थोड़ी मेहनत करनी चाहिए ना। सोचा कि थोड़े से कपड़े इस्त्री कर दूँ क्योंकि गुड़िया के काम पेंडिंग होते जा रहे हैं बेचारी के, तो आई हैव टू सपोर्ट हर। और स्पेशली कोरोना के बाद कितना कर सकती है वो यार, बंदे में हिम्मत ही नहीं इतनी होती। ये कुछ किए हैं इस्त्री, ये इसका यूनिफॉर्म है तय का, ये गुड़िया के हैं। क्योंकि सीधी सी बात है कि कोरोना के बाद इतनी हिम्मत ही नहीं होती है। इवन मैं ख़ुद भी अभी खड़ा होकर इस्त्री कर रहा हूँ तो ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, इनके बैक एक होना शुरू हो रही है। तो जब तक है थोड़ी हिम्मत तब तक मैं कर देता हूँ ताकि उसके ऊपर एक बंदे के ऊपर वर्क लोड ना हो ना, और सपोर्ट होके मिलके सारा हो जाता है इंशाल्लाह। चलो दैट्स गुड, इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव अ वंडरफुल वाइफ यार, एंड ऑफ कोर्स लाइफ पार्टनर, वंडरफुल लाइफ पार्टनर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। और शहजाद का है बर्थडे, और आपको टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड मिल रही होगी कि शहजाद का बर्थडे है, और जो है ना हर जगह पे जो है ना ह्यूज पार्टीज लोगों ने रखी हुई हैं, और बस जो है ना स्क्रोल जो चल रहा है ब्रेकिंग न्यूज़ का कि शहजाद का बर्थडे है, और ये बर्थडे बॉय तो हमारे घर में फिर रहा है। ये देखिए, ये है जिनका बर्थडे, आप जानते होंगे इनको, आपने देखा होगा, इतने फेमस है टीवी पे देख देख के तो आपको पता चल गया होगा। एआरवाई न्यूज़ और सारे जियो हर जगह इन्हीं की नाम तो सुना होगा, इश्तियारी लगे हुए हैं। तो अचानक से हमारा प्रोग्राम बना है, मैं कह के थक गई हूँ कि प्लीज बकलावा ले दें या केक ही ले दें। अच्छा, हमारा ना बर्थडे पे केक शेक और वो नहीं अब दिल करता, वो बकलावा हम लोग वैसे नहीं खाते हैं मीठे की वजह से, तो फिर दिल करता है कि जब बर्थडे है ना तो चलो इस मौके का फायदा उठा के जल्दी से बकलावा खा लें, और ये लेके ही नहीं आए, और अब हम इसी तरह जाएंगे रेडीमेड फूड लेना है, और फिर मैंने इनसे बकलावा भी दिलवाना है। वैसे होना ही चाहिए था, वैसे मैं इनके लिए घर पे कुछ बना रही थी, हर वक्त मैं घर पे कुकिंग करती रहती हूँ, जब भी किसी बच्चे का या मेरा या इनका बर्थडे है तो उस वक्त मैं कुछ नहीं कुक करती, तो ये पता नहीं क्या मसला है। थैंक यू सो मच इतनी सारी दुआएं देने के लिए, और कोरोना की रिकवरी जो है हम आपसे वो भी शेयर कर रहे हैं, उसके लिए भी आप अपनी टिप्स और मशवरा वगैरह दे रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। जो जो एप्लीकेबल होते हैं हम लोग बिल्कुल अप्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और किसी ने मुझे कहा था, मेरे माइंड में यही था कि कोरोना खत्म हो तो आप एक्सरसाइज करें नॉर्मल, तो किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखा था, जिन्होंने भी आपने लिखा था थैंक यू सो मच, उन्होंने कहा था कि 3 मंथ्स तक तो आप एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि मैं वेट लूज करने के लिए दोबारा से हाई अलर्ट पे आ गई थी, तो वो फिर मैंने इंटरनेट पे सर्च वगैरह किया है तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, इसलिए 3 to 6 मंथ्स तक, डिपेंड करता है कि किसकी बॉडी कैसे रिकवर कर रही है। तो अगर आपका सांस अभी भी थोड़ा थोड़ा फूलता है, या अगर आपको थोड़ी थोड़ी कफ आती है, या आपको चेस्ट कंजेशन थोड़ा फील होता है, या फिटीग एग्जॉशन वगैरह फील होती है, तो इसका मतलब है कि कोरोना पोस्ट कोरोना सिंड्रोम आपका अभी खत्म नहीं हुआ, तो ये भी एक प्रॉपर एक ना प्रॉब्लम बन गया, और इसका भी एक नाम है पोस्ट कोरोना सिंड्रोम, तो ये अभी खत्म नहीं हुआ, तो इस वजह से आप इन चक्रों में ना पड़ें कि आप एक्सरसाइज करें और आप जो है ना वो वॉक शॉक करें। तो अब ये कि हम थोड़ी थोड़ी वॉक सोच रहे हैं, मिशारी का स्कूल स्टार्ट हो जाना है तो थोड़ी थोड़ी वॉक हम लोग किया करेंगे, तो देखेंगे हम लोग थकना शुरू हुआ तो हम छोड़ देंगे, हम नहीं कंटिन्यू करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि मैं ना खा के बैठ जाती हूँ, एपिटाइट मेरी वापस रूटीन पे आ गई है, खा के बैठने की जैसे मेरा वेट गेन हो रहा है, तो मुझे वो नहीं करना, और मेरा जो है ना ऐसे पेट निकलता आ रहा है, तो मुझे वो चीज़ कंट्रोल करनी है। खैर, अच्छी बात होती है कि विसरल फैट जो है ना वो आपकी ना हो तो अच्छी बात है, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और इवन कैंसर तक जो है वो विसरल फैट स्टोर हुए रहने की वजह से हो सकते हैं, तो इस वजह से ना अपने पेट की जो फैट है ना वो ख़त्म होनी ही होनी चाहिए होती है। तो खैर, अभी 2-3 महीने देखूंगी आपको मैं कैसी लगती हूँ 2-3 महीने बाद की मेरी सिचुएशन, तो देखूंगी उसके बाद फिर मैं शुरू करूंगी एक्सरसाइज वगैरह। बर्थडे है इनका, तो ये देखें जरा क्या बन के आ गए, क्या बन के आ गए, कार्टून बन के आ गए क्या? नहीं, वो क्या बन के आ गए? नहीं नहीं, कार्टून ना पहले ही है, शरीफ बन के आ गए, डिसेंट बन के आ गए। यार एन बी के बैग से जाना वो बेस्ट होते हैं, क्योंकि हर चीज़ इसमें फिर आ जाती होती है, लाइफ आसान हो जाती है। चला वो भी चीज़ माइंड में है क्या लेना है?
कुछ भी नहीं है ना। उनके ब्लैंकेट भी लेने हैं। हाँ ब्लैंकेट वगैरह निकाल लेते हैं, उनको इस शॉपर में डाल लें, फिर ये छोटे वाले में इसमें डाल। ये तो रहने देना, ये दो ठीक। पानी के बॉटल्स कितने? दो पानी के बॉटल्स, तीन लेने जस्ट इन केस कुछ हाथ शाथ धोने पड़े हैं कुछ, है ना। कैटल इसमें डाल लेते हैं। ये बैग मुझे बड़ा क्यूट लगता है, ये है हैप्पीनेस इज सॉल्विंग द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स ओवर अ मील। ये इतना मुझे क्यूट लगता है, और ये मैंने होमवर्क से लिया था बाय द वे। इतना बड़ा कंटेनर के बजाय मैं इसमें इसको बैग में डाल लेती हूँ। अरे हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैं भूल ही गई, मैंने सुबह से सोचा हुआ था कि ये भी रखने हैं ऑरेंजेस। इसमें नहीं आएंगी। अच्छा इसमें नहीं आएंगी, ये किसी टॉपर में डाल के ना उनको वैसे ही पकड़ लेते हैं। हाँ पकौड़े भी ले लिए हैं और समोसे भी लिए हैं थोड़े से। अब लेने जा रहा हूँ लाइट। रनिंग होती देर ना हो जाए। ये लाइट ली है और बाकी छोटी मोटी चीज़ें लिखी हैं, और गुड़िया ने मुझे ठोट पे रखा हुआ है आज। जल्दी जल्दी भाग रही गुड़िया आगे। लिटरली हम लोग हैं जो वैसे इतने मोटे मोटे स्वेटर जैकेट पहन के फिर हैं, लोगों ने हाफ पीस पहनी और हमें भी गर्मी लग रही है। वी आर लुकिंग लाइक एलियंस। लेकिन हमने जाना है जिस तरफ है, उधर ठंड होनी है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चिकन भी ले लें, दो चिकन भी है। हम ना 4:40 के करीब निकले थे और इस वक्त 6 बज गए हैं, और बच्चों को इतनी सख्त भूख लगी हुई है। मिशारी जो है ना वो रोने वाला हुआ था, और रोड पे ही सारा टाइम गुजर गया। उफ बहुत ट्रैफिक है आज, क्योंकि आगे संडे को भी ऑफ है ना। बाहर हाल जी, अभी तो जो है ना शदाद लेने गए चिकन, और बस उसके बाद मैं बच्चों को तो कार में ही दे दूँगी और देखूँगी कि मिशी ब्लॉग बनाने देते हैं। बड़ी मुश्किल से सेटल हुआ, बना री लगाई हुई है। इस तरह ना मैं रोटी में रख के देती हूँ। लास्ट टाइम दिया था ना ऐसे रैंडमली एक दफ़ा, तो तिहामी को बहुत मज़ा आया था ऐसे। लो मैं बेटा, मिशी को भी मैं देती हूँ, मिशो आपको भी देती हूँ। और इतने मज़े के समोसे शराब लेके आए थे, लेकिन ये लोग नहीं खाते तो इनकी वजह से हमने नहीं खाया, कि भूखे बैठे रहे और हम कैसे समोसे खा लें। फर्स्ट यू नीड टू ईट चिकन, देन यू कैन हैव मार्शमेलो। ये लो लो मैं बेटा, मिशो चिकन इज वेटिंग फॉर यू, इट्स फील गुड चिकन। और ये देखिए टेक्नो बाबा जो है ना वो इतने बड़े फ्लैग लगा रहे हैं। वो जो स्ट्रीट लैम्प नहीं होता, वो उस तरह ही बाबा लगा रहे हैं यहाँ टेक्नो। मम्मा भी टेक्नो है इस वक्त। मम्मा बाबा को समझ नहीं आ रही किस्म से वाकई में। और ये यहाँ टेक्नो मैस हुआ है। ओह क्लीन अप भी कर लिया, वाह। और ये दिस इज मिशी, यस। और मिशी जो है ना मैस कर रहा है। लेकिन हम मज़े करने के लिए आए हैं, तो वी विल नॉट स्टॉप एनी वन फ्रॉम हैविंग फन। तो इतना एंग्री हुआ वैसे आप कह सकते हैं। देखें टेंट ही लगाना आ रहा, और मुझे लगता है हम टेंट के बगैर ही बैठेंगे बाबा की। बाबा तो कह रहे थे कि बाबा को टेंट लगाना आता है। बेटा नहीं, मजाक कर रहे थे, नहीं आता लगाना। अब देखो अब क्या, आप घर जाके एक दिन घर में सेट करेंगे, फिर दोबारा आके कर लेंगे, ठीक है। मैं क्या करूँ बेटा, वी ट्राइड आर बेस्ट। हाँ जी वी ट्राइड आर बेस्ट, हमें नहीं करना आता। अच्छा ये नीचे वाला, ओके। ये हम क्या ले आए हैं कसम से शदाद? ये टॉप वाला है, ये टॉप वाला है। टॉप वाला क्या है? ये टॉप पे ऐसे लगता है ऊपर से ना। है एक मिनट, हम यहाँ अगर ये टॉर्च डालोगे तो वी कैन डू इट। ये लिटरली लेगो का ना इतना कॉम्पैक्ट वर्जन है। ओके स्ट्रगलिंग बेइज्जती ही। माय मिशू बेबी हियर इज हैविंग फन। रिफ्लेक्टर जो है वो जैकेट भी है, और ये रिफ्लेक्टर शूज़ भी है। मिशी तो फुल ऑन EMS चल रहा है ये इसका। वाओ, आर यू हैविंग फन? वाओ, व्हाट वर यू सेइंग अबाउट द सी? आई एम लुकिंग अबाउट वाटर एंड सी एंड मनी। यू वर सेइंग दैट द सी इज एंग्री। नो, सी इज हैप्पी बिकॉज़ एमन इज हियर। या आई टोल्ड हिम I told him that the sea is happy. पहले कह रहा था sea has waves, it's angry. तो मैंने इसको बताया कि वो sea is fine. साथ वाले ने म्यूजिक लगाया हुआ यार, फ्री का म्यूजिक मिल गया हमें। और ये इनके पास जाते हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं। कोई ना वो मिशन कर रहे हैं।
हाँ जी टेक्नोस, यस टेक्नो, बू टेक्नो, बू। मामा हियर इज स्ट्रगलिंग विद दोस थिंग्स, मैजिक स्टिक, मैजिक स्टिक, मैजिक स्टिक। इतनी छोटी सी स्टिक थी और मामा ने मैजिक करके इतना बड़ा बना दिया। बाबा कह रहे हैं कि मैं ये चीजें पकड़ूं और बाबा कह रहे हैं कि कुछ काम करो जिंदगी में, ये लाइक एक वी टू द मून। बाबा यार आप लोगों को कोविड का वो नहीं है कि मतलब वो कह रहे हैं जमीन पे करना पड़ेगा। मैं कह रही हूँ कि अगर यहाँ पे छत एक गाड़ी पे रख के बनाएंगे तो गाड़ी पे टेंट कैंप लग जाएगा, हमारी कैंपर कार बन जाएगी। और ये फाइनली वापस जा रहा है, टेंट भी, लाइट भी वापस जा रही है, टेंट भी वापस जा रहा है। घर जाके करेंगे कैंपिंग फ्रॉड। शक्ल देखो बाबा की, शरादी तो समेटना भी मुश्किल हो जा करेगा एवरी सिंगल टाइम। नहीं सबसे बेस्ट वो था अम्ब्रेला वाला। बाबा ने कहा था बाबा को लगाना आता है, बाबा ने नहीं ये तो कहा था लगाना आता है बेटा, लेकिन वो अम्ब्रेला, बाबा ने ये कहा था अम्ब्रेला वाला ले, अम्ब्रेला वाला बहुत अच्छा था, वो पकड़ के यूं खड़ा करना है। हाँ, मुझे याद है, ये मम्मा का फॉल्ट है, इधर दिखाएं, ये मम्मा का फॉल्ट है। मम्मा ने कहा था बेबी देखें ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा है, इसके मैं सारा नहीं सुना है, बड़े छोटे की बात। हाँ मम्मा ने कहा था वीडियो के अंदर, आप चेक कर लें अगर वीडियो थी। वो देखें विशी की सारी रिफ्लेक्ट हो रही है वो जैकेट, कितनी कूल है ना उसकी जो जैकेट है ना, वो रिफ्लेक्ट करती है लाइट। हाँ उसकी बहुत अच्छी है, शूज भी रिफ्लेक्ट करते हैं उसके। ये निकाल लिया मैंने, छुपा के रखने लगा हूँ आगे। अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम नजर आए, लेकिन हम आपसे बाद में बात करेंगे क्योंकि आप हमें नहीं देख सकते। मिशु मैं तो अच्छा satisfying, yes, चलो आप लोग enjoy कर रहे हो। मिशू आर यू enjoying? Yes, it's green. Yes, green. You didn't know before? Yes. उसको लगा था ये blue है। अच्छा। Finally, happy birthday होने ही लगा है। रोल होना शुरू हो गया खुशी के, अच्छा स्टोरी ये हुई है कि हमारे पास जो है ना कैंपिंग चेयर्स भी हैं, हमारे हमने कैंप भी लिया हुआ है और शराब ने आज ही जो है ना जाके तो जो कार की बैटरी के साथ लगती है ना लाइट, तो वो भी शराब ने ली कि ताकि कैंप के आसपास में लाइट हो, लोगों ने अक्सर यहाँ लगाई होती है। अच्छा वो हमें कुछ भी उसमें से असेंबल करना नहीं आता था, हमने चीज़ें ले लेके रख ली थी, उसका एक दफ़ा मैनुअल पढ़ लेते उसको लगा के देख लेते तो पता होता। अब हुआ ये कि वहाँ पे हम गए ना, हमसे वो कैंप बना और ना ही हमसे वो लाइट लगी, लाइट के लिए भी जो वायर चाहिए थी जिससे तो वो फिर ये कि मैट इनके पास होती है, वो कारपेट सा होता है, वो इन्होंने बिछा दिया वहाँ पे, बच्चों ने बैठ के खेल लिया, काइनेटिक सैंड लेके गए हुए थे और इनके प्लेटो लेके गए हुए थे, तो इससे उससे भी बैठ के खेलते रहे लोग और हम लोग थोड़ा सा चेयर्स पे बैठे थे, किसी डॉग की और बस खाना भी कैसे खाया हमें पता है, तो बस यही है। लेकिन एंजॉय किया, मौसम बहुत अच्छा था, समुंदर के सामने बैठने का होता था, म्यूजिक सुना वहाँ पर और खाना एंजॉय किया। अच्छा मैं सही बताऊँ मैंने उतना एंजॉय नहीं किया जितना मैं करना चाह रही थी, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, और ये बार बार मुझे कह रहे थे कि अच्छा ना रिलैक्स करो, मैं मतलब बस ऐसे बोर सी हो गई, जैसे डाउन सी हो गई थी, क्योंकि एक तो भूख इतनी सख्त लगी हुई थी और ऊपर से जब कोई चीज़ कनेक्ट नहीं हो रही थी, कुछ असेंबल नहीं हो रहा था और ना मुझसे हो रहा था ना शराब से, बहुत मैं आवाज़ार हो गई थी। कोई बात नहीं है, जो अटली चीज़ें हैं आदमी उससे तो खुश हो ना, उसको तो एंजॉय करे जब मौका है, बजाय घर आके वापस बैठ के खाना खाए, अच्छा है एक अच्छी जगह पे बैठे तो आदमी उसको एंजॉय करे बेसिकली। वही ना, अभी तो जो है वो मैं तो वैसे मूड अच्छा होता ना, मैं इतनी बातें करती, मैं चुप ही नहीं करती, लेकिन आज वॉक भी कर रहे थे तो कोई खास बात नहीं थी हमारे पास, है ना, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलती हूँ हम दोनों में, मैं बहुत बोलती हूँ, मेरे को उसका टॉपिक ही बस, मैं ऐसे ऐसे वॉक कर जी।
birthday to me. Happy birthday to me, Mishu. चलिए इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. दो में याद रखे, अपना ख्याल रखे, देखे हमें. आप इधर आ जाओ आगे. मिशु नहीं नहीं नहीं, फोन गिर जाएगा. निशु इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ. अल्लाह हाफिज़. इसको आप चैनल